हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। जैसा कि आपको पता है कि मार्च के महीने में हमारा सेशन एंडिंग एग्जाम, तो आज हम करेंगे रिवीजन क्लास फोर इंग्लिश का। और ये हमारा जो रिवीजन चल रहा है, दैट इज कॉम्पिटेंसी वाइज रिवीजन। और इससे पहले जितने भी रिवीजन की वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन का रिविजन कर रहे हैं, और वो भी हमारा यूनिट 9 का रिविजन चल रहा है। इससे पहले यूनिट 6, 7 और 8 का रिवीजन जो है उसकी वीडियोस आपको मिल चुकी है। तो यूनिट 9 में जो चैप्टर्स है वो है आपके द नॉटी बॉय, और इसके अलावा है पिनोकियो। तो इन दोनों का आज हम रिवीजन करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, रिविजन करने से पहले हम एक बार एक नजर ब्लू प्रिंट पे डाल लेते हैं। रिटन पार्ट का जो वेटेज है, हमको पता है सेशन एंडिंग का इस बार है 40 मार्क्स, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 मार्क्स का, टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस जो हम आज कर रहे हैं उसका जो वेटेज है दैट इज आल्सो 5 मार्क्स। और इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का और 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। और इसके अलावा ग्रामर जो कि 10 मार्क्स का है, इसमें 1-1 मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और क्रिएटिव राइटिंग में एक आपको पैसेज या पैराग्राफ लिखना होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। उसके अलावा स्पेलिंग्स, 5 स्पेलिंग्स होगी जिसका वेटेज 5 मार्क्स, हैंडराइटिंग जिसका वेटेज 5 मार्क्स का होगा, और वोकैबुलरी जिसका वेटेज 5 मार्क्स का होगा। और ये 1-1 मार्क के 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं, इडियम फ्रेज आपसे पूछे जा सकते हैं, या इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या किसी भी चीज का जो है मीनिंग आपका पूछा जा सकता है। जो इस लास्ट यूनिट का हमारा जो पहला चैप्टर है यूनिट 9 का, दैट इज द नॉटी बॉय, उसका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, यानी कि जो नॉटी बॉय है वो कहां से आया था, जो शरारती लड़का है वो कहां से आया था। सो द आंसर इज द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड से वो आया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, यानी कि नॉटी बॉय कहां गया था शरारती लड़का। सो द आंसर इज द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, और जो स्कॉटलैंड है वो इंग्लैंड के ही नॉर्थ में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड ही गो देयर, वह वहां क्यों गया था। सो द आंसर इज ही वेंट देयर बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड टू सी द पीपल देयर, वो वहां के लोगों को देखने में उसकी इच्छा थी, रुचि थी, इसीलिए उन लोगों को देखने के लिए वह वहां गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट, यानी कि जो लड़का है उसे किस चीज के बारे में उसको आश्चर्य हुआ। सो द आंसर इज द बॉय वंडर्ड दैट इन स्कॉटलैंड द हार्ड ग्राउंड द लॉन्ग यार्ड्स द रेड चेरीज एंड द हैवी लेड आर ऑल सेम एज इन इंग्लैंड, यानी कि उसको इस चीज का आश्चर्य हुआ, जो चीजें वो जो इंग्लैंड में जो देख रहा था, क्योंकि वो इंग्लैंड से आया था, वहां का ग्राउंड भी इंग्लैंड के जैसा है, वहां का जो यार्ड है यानी कि जो मेजरमेंट की यूनिट है उसको यार्ड बोलते हैं, तो यार्ड भी इतना ही लंबा है जितना इंग्लैंड में है, जो चेरीज है वो इतनी ही लाल है जितनी कि इंग्लैंड में है, और जो लेड है जिसको शीशा एक धातु है उसके जो वेट है वो भी इतना ही हैवी है जितना कि इंग्लैंड में है। यानी कि अगर शॉर्ट में हम बात करें तो आप एक और आंसर इसमें लिख सकते हैं द बॉय वंडर्ड दैट इन स्कॉटलैंड एवरीथिंग वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि उसको इस चीज का आश्चर्य हुआ कि इंग्लैंड के जैसे ही सारी चीजें स्कॉटलैंड में है। उसके बाद बच्चों जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जो कि हमारे यूनिट 9 का भी लास्ट चैप्टर है और क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का भी लास्ट चैप्टर है, उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द कारपेंटर बाय, यानी कि जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है, उसने क्या खरीदा। सो द आंसर इज द कारपेंटर बॉट अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, यानी कि उसने एक विचित्र जो है लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा। तो स्ट्रेंज की जगह आप क्वीर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, द कारपेंटर बॉट अ क्वीर पीस ऑफ वुड, तो उसका भी मीनिंग स्ट्रेंज ही होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट, यानी कि उस लकड़ी के टुकड़े से कारपेंटर ने क्या बनाया। सो द आंसर इज ही मेड अ पपेट आउट ऑफ इट, उसने उस लकड़ी के टुकड़े से एक पपेट बनाया, या वी कैन से ही मेड अ पपेट बॉय आउट ऑफ इट, उसने एक पपेट बॉय बनाया। तो पपेट का मतलब होता है कठपुतली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट, उसने अपनी कठपुतली को क्या नाम दिया। सो द आंसर इज ही कॉल्ड हिज पपेट पिनोकियो, यानी कि उसने कठपुतली का जो नाम दिया वो दिया पिनोकियो। बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड पिनोकियो से इन द एंड, यानी कि अंत में पिनोकियो ने क्या कहा। सो द आंसर इज इन द एंड पिनोकियो सेड आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय आई विल नेवर लाई अगेन, यानी कि मैं एक सच्चा एक रियल जो लड़का बनके मैं खुश हूं, मैं कभी भी आगे झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये पिनोकियो ने इसलिए कहा क्योंकि जब भी वो झूठ बोलता था उसकी जो नोज है वो लंबी होती जाती थी। ये था हमारा यूनिट 9 का लास्ट जो है रिवीजन,
और इसके अलावा यूनिट 6 to 9 का हमने जो रिवीजन किया है, जो कि हमारा सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का सिलेबस है, वो 4 वीडियोस में पूरा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन है। और इसके अलावा जो बाकी कॉम्पिटेंसी है उसका हम रिवीजन कल से शुरू करेंगे। कल जो होगा हमारा ग्रामर का रिवीजन होगा, तो जितने भी यूनिट है इतनी ही वीडियोस ग्रामर की होगी। इसके अलावा यदि कोई टॉपिक ग्रामर में बचता है तो हम उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।